मुझे एक एक कॉल आया उन्होंने मुझे बोला कि एक ज्वेलरी शूट है दुबई में एंड यू विल बी पेड फोर्टी लैक्स वही आपको पता है बस सही जो चो, छोटी सी मैंने कहा छोटी सी क्या तो उन्होंने कहा वही जो जैसे आपको पता ही है, मतलब understand. तो जो compromise होता है वो कह रहे हैं आपसे जो जो मतलब तो तीन बार ऑडिशन करवाया करण जोहर के लिए ये कहते हुए की उनकी मूवी है, है।, है उनकी मूवी आ रही है मैंने अचानक से नंबर देखा तो वो एक इंटरनेशनल नंबर था तो मुझे वहां डाउट हुआ पहली बात तो कि इसका मतलब ये भूषण कुमार का नंबर नहीं है ये कोई फेक किसी ने मुझे मैसेज करा है उनके नाम से कल आके मिलिए बाकी की डिस्कशन वहीं होगी इस होटल में होटल रूम में पैजेंट्री के लिए कहीं ना कहीं ना अभी भी एक ऑब्जेक्टिफिकेशन चल रहा है कि बस एक सुंदर लगना एक सुंदर चेहरा सुंदर कपड़े पहनो और आप स्टेज पे चलना शुरू कर दो आप जीत जाओ पीछे से भी लोग मुझे बोलते थे कि ये तो सिर्फ एक सुंदर सा चेहरा है ये कभी ज़िंदगी में चार्ट अकाउंटेंसी कर ही नहीं पाएगी मैंने ऐसी सी चीज़ें सुनी है उस टाइम पे मेरी ये बहुत ही ज़्यादा मेरा एक डिप्रेशन का फेस था डिप्रेशन मैंने आ, एक दो साल ऐसे भी देखे हैं अपनी लाइफ के कि बिल्कुल मतलब मैं किसी से बात नहीं करती थी मैं मैं वीडियोज़ भी बनाती थी जब अगर यू नो एक्टिंग से कनेक्टेड रहने के लिए तो मुझे ऐसे ऐसे भी टॉन्ट्स आते थे कि आपका हस्बैंड अलाउ कैसे कर देता है हाई एवरीवन मैं हूं प्रियंका बजाज सिब मिसेस इंडिया 2021 मिसेस इंडिया 2022 और मैंने बहुत सारी बातें करी हैं पूरे दिल से अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स अपनी लाइफ की सच्चाई अपनी लाइफ की पूरी जर्नी माय बॉलीवुड एंट्री बॉलीवुड कास्टिंग की कड़वी सच्चाई और uh, ये सब आप देख सकते हैं सिद्धार्थ करण के यूट्यूब चैनल पे सो यू कैन सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन यूट्यूब चैनल जब भी मैं जर्नी सुनता हूं महिलाओं की उनके ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशंस की और जब वो जीत हासिल करती हैं अपने अंदर की ताकत की वजह से गेट इमोशनल मिसिज इंडिया 2021, ट्वेंटी वन मिसिज इंडिया ट्वेंटी और फिर इंडिया को रिप्रेजेंट किया ऑन एन इंटरनेशनल लेवल लेडीज एंड चेरमन प्रियंका सिबल कैसी हैं आप बिल्कुल ठीक से हाँ यू मैं बहुत बहुत खुश हूं जब मैंने समझा आपकी स्टोरी को कोई बता रहा था मेरा दोस्त ने ऐसे मुझे प्रियंका को बुलाना ही है जर्नी बहुत सॉलिड रही आपकी बट मैं स्टार्ट करना चाहता हूं मिसेस इंडिया वो जीत एक बार नहीं दो बार और उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनली फ्लैशबैक्स क्या है बहुत ही प्यारे फ्लैश हैं और आ, मैं क्योंकि जो लड़की हूँ वो अपने सपनों से बनी हूँ तो मेरा ये बहुत ही बड़ा सपना था भारत को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल लेवल पे और एक्चुअली में जब मैं वो कर पाई वहाँ पे जब मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी और मैं अपने भारत के झंडे को पूरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था वो जो आंखों में जो आंसू उस टाइम पे आए थे मैं वो बयान ही कर सकती मतलब इतने सारे लोग इतनी सारी भीड़ मतलब सिर्फ आई कुड ओनली हियर यू नो इंडिया एंड वो एक बहुत ही बहुत ही खास मोमेंट होता है आपकी लाइफ का आई थिंक बिकॉज मिसिज इंडिया बनना एक अलग बात है और उसके बाद अपने भारत को आगे रिप्रेजेंट करना जहाँ पे आप अलग अलग देशों की महिलाएं से मिलती हैं जो अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो एक अलग ही लेवल होता है एक अलग ही जुनून होता है और बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए वो मिस इंडिया इतना एम्पावरिंग टाइटल है राइट बट क्यूरियोसिटी है कि मिस इंडिया के लिए आपने ट्राई नहीं किया क्या मिस uh, इंडिया के लिए मैं ट्राई तो करना चाहती थी बिकॉज वो भी मेरा एक ड्रीम था कहीं ना कहीं बट uh, जब uh, क्योंकि मेरी जर्नी पहले रही है चार्ट अकाउंटेंट की और uh, वो करते हुए काफ़ी समय बीता है Uh, उसके बाद जब मेरी शादी का टाइम आया तो मैं और मेरे हस्बैंड की कैंडिड एक कॉन्वर्जेसन चल रही थी uh, मुझे अभी भी याद है हम बात कर रहे थे और मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर करा कि मुझे मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का बहुत मन है और uh, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम शादी करें और हम ये सपना दोनों मिल पूरा करें तो मुझे तो लगा ऐसे ही किसी ने बोल दिया मतलब मजाक मजाक में और शादी के लिए बोल दिया लेकिन uh, सच में जब शादी हुई और उसके बाद मैं कहीं ना कहीं ये सपना भूल चुकी थी लेकिन uh, मेरे हस्बैंड ने मुझे रिमाइंड कराया कि आई थिंक दिस वाज आल्सो वन ऑफ योर ड्रीम्स एंड और एक्चुअली में एक और रियलिटी भी है कि उस टाइम पे मेरा 74 फोर के वेट था और आप ये जानते हैं कि थोड़ा सा मिस इंडिया प्लेटफॉर्म पे यू नो डेफिनेटली एक थोड़ा सा एक वेट का होता है प्रॉब्लम एंड सम नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बट कैसे कैसे ये जर्नी ग्रेजुअली ग्रो करी है और आ, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अब वेट रिड्यूस करना चाहिए वो धीरे धीरे सम हाउ आई गॉटन टू दैट जर्नी और मैंने वेट रिड्यूस करा और मैं 47 सेवन के जी वेट तक पे पहुंची मैंने 74 को 47 सेवन के जी वेट कराई मिन कन्वर्ट करा और बहुत ही मेहनत के साथ और उसके बाद मैं मिसेस इंडिया प्लेटफॉर्म पे गई सो दिस इज़ हाउ द होल जर्नी वॉज बट जब आप सेवेंटी फोर की थी hmm. आप उस वक्त शादीशुदा नहीं थी नहीं मेरा वेट एक्चुअली कुछ अराउंड सिक्सटी फाइव था जब मेरी शादी हुई शादी के बाद सेवेंटी फोर पर पहुँच गया दस किलो गिरे सबके साथ साथ होता है मेरे साथ भी हुआ ये हाँ <laughs> जी मेरा वेट बड़ा हाँ। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अचानक से मेरी एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो रही हैं और कहीं ना कहीं एक वो थोड़ा सा डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी मैं उसके बाद जहाँ पे शादी के बाद मतलब एकदम से मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम देती हूँ मैरिज को और काफ़ी चीज़ें चल रही थी मतलब दिमाग में एंड सम हाउ आई गेन नॉट अ वेट और फिर एकदम से मुझे लगा मेरी एनर्जी लेवल बहुत कम हो गई है अभी मुझे थोड़ा सा कुछ कुछ तो करना चाहिए पर ये मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे इतना वेट गिराना है uh, मैंने बस स्टार्ट कर दी वो जर्नी अच्छे से खाया पिया और uh, एक्सरसाइज़ करनी स्टार्ट करी और करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो 74 47 में बदल गया So, yeah. तो ये जो 47 आपने किया राइट right? okay. उसके पीछे ये लक्ष्य था कि मुझे मिस इंडिया को रिप्रेजेंट करना है या फिर आपने कहा ये मुझे अपने लिए करना है एंड उसके बाद मिस इंडिया का ये बड़ा पिंग आइडिया आ गया uh, मुझे अपने लिए करना था क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि uh, मतलब वो वेट रिड्यूस करना खाली दिखने के लिए नहीं था मतलब कि मुझे कैसा दिखना है बट एक्चुअली मैं जब मैं वो कर रही थी ना मुझे बहुत ही क्योंकि मैं जब एक्सरसाइज़ करती हूँ या मैं जब अच्छा खाना खाती हूँ तो मुझे पॉजिटिव एक फीलिंग बहुत वो कहते हैं ना कि जैसा खाओ वैसा आपका मन होता है तो मेरी सोच और बहुत चीज़ों में मुझे बदलाव दिखा मतलब एक कामनेस आ गई क्योंकि काफ़ी चीज़ें चल रही थी लाइफ में मतलब जिसकी हम बात करेंगे तो वो एक बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे जब मैंने अच्छा खाना खाना शुरू करा या एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी तो वो जो भी नेगेटिविटी चल रही थी ना आसपास इतनी सारी तो वो थोड़ी ठहराव आ गया कर, तो वो मेन एक रीज़न था पर उसके साथ कहीं ना कहीं मुझे एक एज मिला कि ठीक है अब ये भी करते हैं क्योंकि मिसेस इंडिया के लिए खाली वेट रिड्यूस करके आप नई प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं आपको कैसा बोलना है कैसा चलना है क्वेश्चन आंसर्स और इतनी सारी क्लासेस लेनी पड़ती हैं आई एम नॉट अ हील्स पर्सन मैंने हील्स भी पहनी मतलब बहुत कुछ करा ये तो छोटी सी चीज़ें हैं बट इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वहाँ पर साथ साथ लोग मिलकर आपका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद अब क्वेश्चन आंसर जो स्टेज पे बोलते हैं इट हैज़ टू बी अ लॉर्ड ऑफ सबस्ट मतलब पूरा एक एक मैसेज वाला होना चाहिए आपकी सोच कैसी है वो कितना इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है बट कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं मैं आज भी बता दी ना किसी को कि मिसिज इंडिया अच्छा मतलब सुंदर हुआ अब तो अब चले गए सबसे पहला जवाब मुझे यही मिलता है तो मतलब दिल को ना कहीं ना कहीं छू जाता है कि क्योंकि मुझे पता है hmm. कि मिसेस इंडिया करते हुए कितनी मेहनत लगी है एंड मिसेज इंडिया करते हुए नहीं मुझे लगता है लाइफ में किसी भी फील्ड में कुछ भी करते हुए आपको बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मेहनत के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता बट लोग भूल जाते हैं स्टेज पे दिखता है ना कि एक हंसता हुआ चेहरा एक खड़ी है लड़की टॉल सी सुंदर कपड़े पहन के तो बस उसने कपड़े खरीदे सुंदर लगती है तो आ गई लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है बहुत सारी मेहनत तो लगती है लेकिन सेक्रीफाइस भी बहुत ज़्यादा है मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है मैं बाहर जाती हूँ मैं आई डू इंटरमीडियन फास्टिंग सिंस मैं अब मुझे करते हुए इंटरमीडियन फास्टिंग तीन साल हो चुके हैं मुझे कोई कहता है कि आप क्यों कर रहे हो यू you नो know? उस पर भी लोग कमेंट्स करते हैं कि क्या हो गया खा लोगे एक दिन दो दिन तो क्या हो जाएगा बट ये पार्ट है यू you नो know? मेरी फील्ड का पार्ट है तो उसको रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि क्यों नहीं मिलती है मतलब किसी भी तरह से दैट इज़ दैट इज़ पार्ट राइट अगर मैं वो चीज़ छोड़ दूँगी आज की डेट में अगर यू you नो know, कोई अगर आप एंकर हैं आप आ, मतलब उसके लिए स्पीच से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अगर आप करते हैं वो आप आपका रोल है वो पार्ट है लेकिन पैजेंट्री के लिए कहीं ना कहीं ना अभी भी एक ऑब्जेक्टिफिकेशन चल रहा है कि आ, बस एक सुंदर लगना एक सुंदर चेहरा सुंदर कपड़े पहनो और आप स्टेज पर चलना शुरू कर दो आप जीत जाओगे मुझे इतने लोगों ने वो ये भी बोला उस टाइम पे मिसेस इंडिया करते हुए कि क्या करना है मतलब मेहनत की क्या मतलब अब वर्क हार्ड करके हो रही हो इसके लिए चाहिए क्यों क्या करना है इसमें उनको सब लगता है कि यार ये बस फिजिकलिटी के बारे में है, राइट फिजिकलिटी हाँ, के बारे में बिल्कुल ये जो अंदर जो बीत रही है दिल में दिमाग में इट्स अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन ऑफ दैट टू उसी की वजह से आपको ये टाइटल्स मिलते हैं आपने इन दिस कॉन्वर्जेशन का एक फेज था आपके लाइफ में बहुत नेगेटिविटी थी, सो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का प्रोफेशनल uh, डिग्री uh, जो मुझे हासिल हुआ है हा, हासिल हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वो बहुत ही आसानी से नहीं हुई है मैं सात uh, बार फेल हुई थी अपने फाइनल्स में सी के तीन लेवल होते हैं फर्स्ट लेवल सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट और सेकंड लेवल बहुत जल्दी क्रैक हो गया लेकिन जो थर्ड लेवल था मतलब पूरी दुनिया घुमा दी मुझे उसने और काफ़ी और अच्छा हुआ घुमाई क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ों की सच्चाई समझ में आई काफ़ी लोगों की सच्चाई समझ में आई क्योंकि क्या होता है ना कि लोग आपको मेहनत आप खुद मेहनत कर रहे हो लेकिन लोग आपको मेहनत भी नहीं करते हुए देख सकते प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो उनको पता नहीं क्या लगता कि यहाँ से आप क्या करोगे या क्या मतलब हम अगर इस लेवल पे हैं और और ये सब सब में होता है काफ़ी काफ़ी ऐसे हैं मेरे आसपास के दोस्त भी थे जो आज की डेट में ना मुझे मैं तभी कहती हूँ हमेशा की क्वालिटी बेटर है क्वांटिटी से क्वांटिटी से ज़्यादा हमेशा मतलब आ, अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है उस टाइम भी काफ़ी लोगों की सच्चाई मेरे सामने आई क्योंकि जब मैं सी कर रही थी मैं सी कर रही थी मैंने अपनी शादी को रोका हुआ था मैं मेहनत कर रही थी मेरे माँ बाप उसमें मेरा साथ दे रहे थे लेकिन उस टाइम पे ना लोग आके बोलते थे कि छोड़ दे सीए पूरे पूरी दुनिया तो नहीं ख़त्म हो जाएगी नई नई होती है अगर क्रैक तो या कोई मुझे आके कहता था कि आ, पीछे से भी लोग मुझे बोलते थे कि ये तो सुरभ एक सुंदर सा चेहरा है ये कभी ज़िंदगी में चार्ट अकाउंटेंसी कर ही नहीं पाएगी मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी हैं और इतनी बार सुनी है कि मतलब उस टाइम पे मेरी ये बहुत ही ज़्यादा मेरा एक डिप्रेशन का फेस था डिप्रेशन मैंने आ, एक दो साल ऐसे भी देखे हैं अपनी लाइफ के कि आ, बिल्कुल मतलब मैं किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि आ, अगर मैं कहीं पर जा भी रही हूँ मैरिज पे या कहीं कहीं पर भी तो रिलेटिव्स आके क्लोज़ रिलेटिव्स आके पूछते थे कि बेटा सी ये कब हो रही है आपकी कब कब क्रैक कर रहे हो घर से निकल रही हूँ तो नेबर मुझे पूछ रहे हैं कि आपकी क्रैक हो कब रिए सी ए और मेरी ऐसी नेचर है दैट आई एम अ वेरी इमोशनल अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन तो मैं बड़ों को वापस जवाब नहीं देती हूँ बट सीखता है ना इंसान तो फिर मैंने इतना बोलना शुरू करा कि आंटी सी ए ना छः महीने के बाद होती है तो अब छः महीने बाद तो पूछो एटलीस्ट कि कब होगी आप दस दिन के बाद पूछोगे तो मैं कैसे क्रैक कर लूँगी तो इस तरह से मैंने चीज़ों को हैंडल करना सीखा मुझे आई एम मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ मुझे लगता है सिर्फ अपनी मेहनत करो इंटेंशन आपकी प्योर हो और अब भगवान पे छोड़ दो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और वही चीज़ भगवान ने मुझे सिखाने के लिए मुझे लगता है मेरी सीए ऐसे रुकी थी क्योंकि उसके बाद जो मैं निकली हूँ मतलब कि इतनी चीज़ें सुन के इतने ताने सुन के बंदा वो या तो ढीट होता है या फिर बाउंस बैक करता है मैंने बाउंस बैक करा है एकदम पावरफुल सोल की तरह की मैं करके दिखाऊंगी क्या बोलना है आपने मुझे आप ये बोल रहे हो कि किसी ने बोला मुझे मिठाइयाँ बांट देंगे आपकी किसी हो जाएगी तो मुंह पे आके लोग बोल रहे हैं मतलब तो इससे बुरा क्या होगा मतलब आप आपको लोग खुद मेहनत ही नहीं करने दे रहे हैं मतलब करने देख देख ही नहीं पा रहे हैं कि आप कर रहे हो क्योंकि तो तो सात बार ट्राई किया आपने हुँ. यहाँ पे लोग थे जो ताना मारते थे हुँ. यहाँ पे लोग थे जिनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई थी यहाँ पर लोग थे जिनको लग रहा था ये खूबसूरत चेहरा है तो अकल तो होगी नहीं ये सारी चीजें चल रही है अंदर ही अंदर हमारी प्रियंका टूट रही है कॉन्फिडेंस टूट रहा है फट 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 थे प्रियंका ने सात अटेम्प्ट क्यों किए और बीच में क्यों नहीं छोड़ दिया व्हाट केप्ट यू गोइंग क्या था वो बचपन से ही मुझे कोई कुछ भी बोले लेकिन जब तक अंदर से आवाज नहीं आती ना कि ये चीज मेरे लिए सही है या ये चीज मेरे लिए गलत है वो मैं खुद डिसाइड करती हूँ ये हमेशा से रहा है मैं मैं लोगों की बात सुन लूंगी फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि उस टाइम में हर्ट जल्दी हो जाती थी अब मैं हर्ट नहीं होती मुझे पता है मुझे किसकी बात सुननी है और कौन है जो दिल से चाहता है मेरे अच्छा या सिर्फ जो ऊपरेपन से बोल रहा है कितने लोग हैं जो आपको लाइफ में ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ आपकी सक्सेस में आपकी पार्टीज़ के लिए चलते हैं और कितने लोग हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं कि नहीं आप यहाँ पे अटके हो ना थोड़े सा और मेहनत करो हो जाएगा बहुत कम लोग होंगे जो आपको ऐसे मिलेंगे बोलते हुए कि इतना सा रह गए प्रियंका थोड़ी सी मेहनत करो और कर ले वो सिर्फ़ आपकी फ़ैमिली बोलती है वो चीज़ मुझे ब्लेसन था भगवान ने देना था एंड ऑफ़ कोर्स क्योंकि ये जो मैं सात अटैम्प्ट की बात कर रही हूँ उसमें एक और पॉइंट भी था कि मैं साथ में जॉब भी कर रही थी सो so, वो अगेन भगवान का अपना तरीका था मुझे सिखाने का कि पूरा अपना हंड्रेड परसेंट डालो और नेगेटिव तो बोलते रहेंगे लोग उसको छोड़ दो तो वही वो छः सात सातवां जो अटेम्प्ट मैंने दिया ना एक्चुअली में मैंने सब छोड़ के एकदम लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली और सब भूल गई मतलब मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं एकदम फ्रॉम द स्क्रैच एकदम स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट करा और सारा मैंने एकदम फोड़ दिया वो फोड़ना सिखाना मुझे भगवान ने था कि ऐसे करते हैं और वो जो चीज़ मैंने सीखी उस अटैम्प्ट में वो मैं आज तक करती आई हूँ प्रियंका जब आप ओवरवेट हुआ करती थी राई हाँ जी आई बिलीव एवरी साइज इज ब्यूटिफुलस एज as एज यू लव य सब जाए भाड़ में बिल्कुल Bilkul. Uh, लॉन्ग as यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ दैट्स वॉट मैटर्स तो जब आप लोगों को बोलती थी या बोली थी कि नहीं कि मुझे एक दिन मिस इंडिया के स्टेज पे होना है या मिस इंडिया के स्टेज पे होना है और ऐसा होता था कि लोग हंसते आ रिया तुम तो 74 किलो की हो 67 किलो की हो तो ये जब एस्पिरेशन ड्रीम्स अब लोगों को बोलती थी लोग हंसते थे आप पे? हाँ मुझे बोला जाता था बाजू आपने बाजू देखो मोटी बाजू है या आ, मतलब बोलने के तरीके पे भी कई बार क्योंकि उस पर ही मैंने बहुत काम कराया तो मैंने कहा ना मतलब ये ताने तो सुनते ही आई हूँ काफ़ी टाइम से तो इसके लिए भी होता था कि आ, मजाक मजाक में ताने पड़ जाते थे जैसे क्या होगा मतलब कैसे हो जाएगा ये तो बहुत बड़ी चीज़ है या चलो ठीक है ट्राई कर लो ठीक है देख लो क्या होगा मतलब वो पता चलता है ना आपको एक वाइब्स आती है ना कि कौन कैसे बोल रहा है किस इंटेंशन से बोल रहा है तो और उसके बाद ना मैंने सच में मैंने बताना ही कम कर दिया आसपास अपने मैंने सबसे सब मैंने कहा कि पहले मैं कर दूंगी फिर फिर दुनिया अपने आप देख लेगी एक्शन स्पीक लाउडर दिन वर्ड्स तो वो ये कि बोलना नहीं है अब करके दिखाना है तो मैं एक्चुअली मैं अपने साइलेंट जोन में चली गई थी मतलब ज़्यादा मैंने सबसे कट ऑफ कर ली थी मैंने ज़्यादा किसी से बात नहीं करी थी बस जितना ज़रूरत है अपना बात करी काम की बात करी बट ज़्यादा बिल्कुल मतलब बहुत ही सर्कल मेरा बहुत कम हो गया था पता नहीं मैंने काफ़ी जगह पे ये चीज़ देखी थी कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपका सर्कल कम होता जाता है बट वो प्रैक्टिकली में वो चीज़ मैंने देखी है प्रियंका ये मेरे साथ हुआ है ओके Uh, मैं तीस साल से इंडस्ट्री में हूँ आई फिनिश थर्टी ईयर्स में तो मैं चौदह साल का लड़का था जो लखनऊ से आया था एंड आई प्रोमिस यू मेरे जैसा एक्स्ट्रोवर्ट बहुत कम थे मैंने दोस्त ऐसे बनाना ऐसे बनाना ऐसे बनाना और आज जब मैं फोर्टी फोर का हूँ मैं कसम कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ गिरेचुरे तीन दोस्त हैं बाकी सब अक्वेंटेंस हैं और सिर्फ मुश्किल से मुश्किल तीन दोस्त हैं या दोस्त है.

जब आप अंदर ही इंट्रोस्पेक्ट करती थी क्योंकि आपने बोलना छोड़ दिया था ना, आप कैसे बोलेंगी डिप्रेशन बाहर कैसे आई उससे डिप्रेशन से माने कोई था जो आपका बाउंसिंग बोर्ड था या आपने अपने आप को ही इससे निकाला जो सीए वाला डिप्रेशन था वो तो क्योंकि तो शादी से पहले था सो so ऑफकोर्स उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा और साथ के साथ जैसे मैंने आपको बोला कि उस टाइम वो मैं मेहनत करती गई अपने आप भगवान रास्ता दिखाता गया एंड समहाँ जब सी एक्चुअली में क्लियर हुई एक बहुत ही फ़नी सी बात है जो मैं शेयर करती हूँ आपसे मतलब लोग ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर लोगों ने मुझे बोला कि ये नहीं होगा या छोड़ दे और फिर जब हुआ तो देखा मैं कहती थी कि ये होगा मैं कहती थी कि तू कर लेगी तो फिर मुझे नहीं पता चलता था ना मतलब कि लोग अच्छा सोच रहे हैं मतलब सब समझ में आ जाता है आपको धीरे धीरे कि आ, उसके बाद डिप्रेशन ऑफ़ कोर्स मतलब देखो थोड़ा टाइम तो हंड्रेड परसेंट लगता ही है मतलब जैसे ऐसा टाइम भी था जहाँ पे मेरा मतलब उठने का मन ही नहीं करता था कि ठीक है आई मीन लेट इट बी इन माय ओन जोन या जो भी है बट मुझे लगता है कि जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन होते हो ना तो आपको भगवान अपने आप सही गाइडेंस देते रहते हैं सही लोगों से सही डायरेक्शंस दिखाते रहते हैं सही लोगों से मिलवाते रहते हैं और बाय गॉड्स ग्रेस आई मेट द राइट पर्सन इन माय लाइफ दैट इज़ माय हस्बैंड एंड उनका बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मैं मतलब बीट जब सी uh, ए के एग्जाम्स भी मैं दे रही थी तो उस टाइम पर भी उन्होंने बोला कि मतलब मैंने बोला कि जब तक होगा नहीं ना तब तक मैं शादी नहीं करूँगी एंड एक्चुअली में यू नो ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव एंड ही वेटेड फॉर मी एंड वी गॉट मैरिड एंड uh, उसके बाद शादी के बाद भी एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि ड्रीम्स ख़त्म हो जाते हैं मतलब उसके बाद तो लड़कियों को बस घर ही देखना चाहिए कुछ देखना नहीं चाहिए मेरे को लगता है लेकिन अपने आप को uh, एक सपने देखने के के लिए मतलब एटलीस्ट गिव गिव योर सेल्फ दैट फ्रीडम सो यू शुड आई मीन आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी दैट अपने आप को फ्रीडम हमें देनी चाहिए हम लेडीज़ अपने आप को फ्रीडम ही नहीं देंगे एटलीस्ट जब तक वो ड्रीम्स देखने की उसके बाद क्या होता है उसका वो तो बात की बात है लेकिन हम रोक लेते हैं कि शादी हो गई तो चलो अब बस सब खत्म तो पहले तो पहला सबसे पहला स्टेप तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जैसे आप शादी से पहले सपने देखती हैं वैसे शादी के बाद भी सपने देखिए उसके बाद जब आप सपने देखते हो ना उसके बाद अपने आप वो कहते हैं ना यूनिवर्स कॉलिंग भगवान अपने आप आपको डायरेक्शंस भी दिखाएगा अपने आप लोगों से भी मिलवाएगा बट वो अपने आप को रोकना नहीं है एक बॉक्स में बिठाना नहीं है एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट आई वॉज सो ब्लेस्ड कि यू you नो know, ऐसे हस्बैंड मेरी लाइफ में आए जिनके साथ मैंने अपने सपने शेयर करे और हमने मिलकर उनको पूरा करा बट हमेशा एक हमारे बीच में एक वो इंडिपेंडेंस रही है मैंने उनकी इंडिपेंडेंस को और उन्होंने मेरी इंडिपेंडेंस को हमेशा एक रिस्पेक्ट दी है मैं बहुत हैरान होती हूँ आज की डेट में भी लोग मुझे आके ये बोलते हैं जब मैं मिसेस इंडिया कर रही हूँ या मैं मैम मैं वीडियोस भी बनाती थी जब अगर यू नो एक्टिंग से कनेक्टेड रहने के लिए तो मुझे ऐसे ऐसे भी टॉन्ट्स आते थे कि आपका हस्बैंड अलाउ कैसे कर देता है मतलब मुझे वो वर्ड अलाउ सुन के लगता है कि आज की डेट में इट इज सच अ अड रियालिटी इट इज़ सच अ अड रियालिटी कि मतलब आप uh, कुछ भी कर रहे हो तो वो हस्बैंड से आपको अलाउ होना चाहिए आई I मीन mean, हम दोनों की आपस में यू नो इट्स लाइक वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिसीजन एक प्यार होता है इट्स अ टीम वर्क जहाँ पे मैरिज में एक टीम वर्क है दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए वही रिश्ता फलेगा वो रिश्ता फल ही नहीं सकता जहाँ पे एक जना दूसरे को अलाउ कर रहा है ये वर्ड आता कहाँ से है और यू नो नॉट जस्ट मेन, विमेन मतलब लेडीज़ जब आके ये बोलती हैं कि यू you नो know, आपके हस्बैंड अलाउ कर देते हैं बहुत बड़ी बात है यार आज की डेट में तो करते ही नहीं है सो so, वो चीज बहुत अजीब लगती है सुनने में आज भी तो आप कह रहे हो जो लेडीज होती हैं एक सिस वाइब होता है सिस वाइब राइट right? की देर ऑल टूगेदर यू नो एम्पावरिंग इच अदर पुशिंग इच अदर टू डू बेटर यू हैड अ सेगमेंट ऑफ सिंग हजबेंड अलाउ राइट या क्या आप अपने हजबेंड के बारे में ये थॉट था आपको कि यार मे बी वंस गॉट इन मैरिट अब डायरेक्शनल शिफ्ट है राइट सीए करती थी आप फिर आप ऑफिस में काम करती थी फाइनेंस डिपार्टमेंट में राइट right? शादी के बाद कोर्स चेंज होने लगा क्योंकि यहां पर प्रियंका वॉन्टेड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यह आपने उनको कब बोला और कब उन्होंने आपको बिंदास बोला कि यार मैं हूं तुम्हारे लिए या उनके लिए भी थोड़ा ये आप ये सामने जा रही है कैमरा की क्या था उनके लिए ये वाला कभी आया ही नहीं क्योंकि शादी से पहले भी उन्होंने मुझे बोला रियली वॉन्ट समबडी यू नो जो जो लड़की ड्रीम्स देखे जो यू नो हु एंड एट द सेम टाइम यू नो जो बैलेंस करके एवरी थिंग यू नो शी शी टेक्स केयर एंड एक्चुअली मैं हमारी जब शादी हुई ना बहुत ही इस चीज ये चीज़ बहुत ही स्मूथ फॉलो हुई मतलब फ्लो एक बैठा कि यू नो मुझे क्या करना है लाइफ में या यू you नो know, मेरे हस्बैंड को क्या करना है लाइफ में हम हमेशा साथ में लेके चलते हैं आज भी कोई कहेगा कि ये यू you नो know, ये इज़ इट डज एन इंडिपेंडेंट वूमेन डज इट बट आई डो इट आई मीन मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं हमेशा यू you नो know, अपने हस्बैंड को जैसे बात करी हमने या

हुडीज़, मग्स ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज अंगार डॉट स्टोर यहां पर क्लिक करिए लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे आज के जमाने में भी बिकॉज ना, yeah. वो भी दो बार और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गई है क्या लोगों को लगता है कि स्टनिंग गर्ल्स जो मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म पे है वो सिर्फ दिखावा है एक्सटर्नल है इंटरनलाइज नहीं है सिर्फ सुपरफिशियल वाली फीलिंग होती है दूसरों के, के निगाहों से आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैं बहुत हैरान होती हूँ वो कुछ टेन परसेंट सेगमेंट ही हैं लोग जिनको ये चीज़ समझ में आती है कि शायद जिन्होंने करी हो या जिनकी फैमिलीज़ में ये ये हो बैकग्राउंड पैजेंट्री का अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं चलता मतलब ब्यूटी पैजेंट्स फॉर देम मीन्स बस सुंदर दिखना और मेहनत तो मतलब लगती नहीं है शायद कुछ और वो ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है लोगों ने उसको ऑलरेडी उसको वो हम कोशिश तो कर रहे हैं मतलब यू नो विजेंट्री लॉड ऑफ पैजेंट्स आर कमिंग दीज डेज एंड नो वो एक बट मुझे लगता है वो एक माइंड शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी भी क्योंकि क्योंकि आ, लोगों को नहीं पता ना कि वो मैंने मिसेस इंडिया जब फर्स्ट टाइम करा 2021 में मैंने एक साल मेहनत करी है पूरा एक साल अब लोगों को लगेगा एक साल क्या मेहनत करी है मतलब इतने सारे मैंने जो पैजेंट कोचेस थे उनसे लिया साथ में खुद के ऊपर वर्क करा साथ में मैंने कैसे बोलना है कैसे चलना है क्वेश्चन आंसर्स जनरल नॉलेज एंड मैनी अदर थिंग्स सोशल कॉज मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज वो मेरे लिए पैजेंट्री के साथ नहीं आया वो पहले से था जो सोशल कॉज के साथ मैं जुड़ी हूँ ना बिकॉज वो मेरा बस ये फ़र्क है कि पहले मैं सोशल मीडिया पे उसको नहीं डालती थी मुझे लगता था कि uh, नहीं मतलब किसी को बताओ ही मत जो क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मैं दिल से कर रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम जो कर रहे हैं हम दिल से कर रहे हैं तो हमें वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है लेकिन वंस आई अकॉर्डिंग टू पैजेंट्री अफकोर्स इट बिकेम अ मैनेटरी थिंग टू टेल द वर्ल्ड लाइक यू नो वट सोशल कॉज यू बिलीव इन एंड आप दैट्स हाउ आई स्टार्ट टेलिंग पीपल कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हूँ सोशल जो कि जिसकी हम बात करेंगे बट बट आई थिंक अभी भी वो बहुत मिसिंग है वो चीज़ किसी को बताती हूँ ना तो वही लगता है कि यार ये तो और ये क्या मतलब हाँ ठीक है सुंदर सा फेस है लिटरली ऐसे भी हुआ है कि uh, मतलब जब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं कोशिश यू uh, नो you know, कर रही थी और वहाँ पे मैं किसी को बताती हूँ कि यू नो मिसेस इंडिया तो पहले ही बन जाता है अच्छा मिस नहीं अब मिसेस हो है ना तो वो एक पहले ही समझ में आ जाता है कि अच्छा एक थोड़ा सा उनका हो गया कि अब मिस नहीं अब मिसेस हो फिर फिर साथ में होता है अच्छा तो आप लिमिटेड ही करोगे एंड यू नो वो चीज़ें भी आती हैं क्योंकि <laughs> क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस कॉल्स आते हैं ना मुझे मतलब जैसे कि किसी ने मुझे मैसेज कर दिया कोई पोर्टफोलियो मांग रहा है मेरा फॉर इंस्टेंस यू नो एक कुछ रोल uh, के लिए तो कोई क्या बोलेगा अपने प्रोफाइल शेयर करिए पिक्चर्स के साथ मैंने अपना प्रोफाइल भेजा मैंने अपनी इमेजेस भेजी उसके बाद आता है बोल्ड इमेजेस भेजिए तो मुझे लगता है बोल्ड इमेजेस भेजने से मेरी एक्टिंग कैसे दिखेगी गई आप ऑडिशन मांगो ना फिर मुझे एक एक कॉल आया उन्होंने मुझे बोला कि एक ज्वेलरी शूट है दुबई में एंड यू विल बी पेड फोर्टी लैक्स आई नो दी इंडस्ट्री आई नो चालीस लाख रुपये कौन देता है आज की डेट में ज्वेलरी शूट का इट्स नॉट पॉसिबल एंड मैंने मैंने फिर से उनसे क्वेश्चन पूछा मैंने कहा यू श्योर इट्स अ ज्वेलरी शूट कौन सा ब्रांड है चालीस लाख रुपए दे रहा है एक शूट के तो उन्होंने कहा हाँ बट वही आपको पता है बस यही जो चो, छोटी सी मैंने कहा छोटी सी क्या तो उन्होंने कहा वही जो जैसे आपको पता ही है मतलब यू इंटेलिटेड एनफ टू अंडरस्टैंड आप समझदार हो तो मैंने कहा समझदार हूँ मतलब आप बताइए ना क्या मुझे घंट तो समझ में आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं बट मैं उनके मुँह से जानना चाह रही थी तो उन्होंने कहा कि वही मैम जो वही जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो कह रहे हैं बस जो हमारे जो हैं प्रोड्यूसर मतलब जो भी हैं इसके इनके ओनर तो वो वो है बस वही है उसके बाद बस ज्वेलरी शूट का फोर्टी लैक्स है मैंने कहा मुझे ना आप प्लीज़ कॉल मत करिएगा आगे से कहते नहीं 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 फिर उन्होंने दोबारा से बोला नहीं मेरी बात सुनिए उनका ना एक और ब्रांड है उसमें ना आपको बीस लाख रुपये मिलेंगे उसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो आप वो करना चाहेंगी मैंने कहा पहली बात तो ना मैं ऐसे इंसान के साथ काम ही नहीं करना चाहती जिसकी सोच ऐसी है मतलब एक किसी की सोच ऐसी है कि यू you नो know, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आप ज्वेलरी शूट के पैसे दे रहे हैं या मैंने कहा मुझे काम ही नहीं करना है इस इंसान के साथ so, सो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री में देन एक स्क्रिप्ट आई मेरे पास एक शॉर्ट मूवी की स्क्रिप्ट है इतना अमाउंट मिलेगा आपको इतने दिन का शूट है स्क्रिप्ट नहीं सुनाई मुझे मुझे पहला पॉइंट बोला आ, you're, you're, you, you okay आप योर योर आई टू आस्क यू आई यू ओके विद बोल्ड सीन्स आप बोल्ड सीन्स कर लोगे ठीक है तो मतलब मुझे लगा पहले आप कैरेक्टर बताओ स्क्रिप्ट बताओ मतलब सीधा मुझे समझ ही नहीं आता कि इससे लोगों को क्या एंड एंड जब आप मैंने फिर काउंटर क्वेश्चन करा मैंने कहा मैं मैंने कहा सॉरी मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं बोल्ड सीन नहीं कर सकती तो उन्होंने कहा फिर वो नाम लेते हैं इंडस्ट्री के अलग अलग एक्ट्रेसेस का आपको पता है इतनी मानी जानी मानी एक्ट्रेसेस हैं आजकल तो वो भी करती हैं बहुत कॉमन है वेब सीरीज तो होती ही नहीं है बोल्ड सीन्स के बिना शॉर्ट मूवीज़ वेब सीरीज़ कुछ बनता ही नहीं है आजकल कंटेंट ही नहीं बनता बोल्ड सीन्स के बिना वो तो मैंडेटरी है मतलब कि जनता को समझ में वही आता है तो इतनी इतना अजीब सा लगता है सुन के कि मतलब यही रह गया इसी में एक्टिंग है मतलब मैं पुराने टाइम का याद करती हूँ कि जो मूवीज़ बनती थी यू नो इट वाज इट हैड सो मच ग्रेट कंटेंट आज भी हम याद करते हैं उसमें बोल्ड सीन्स होते थे तब स्टोरीज बनती थी बट आई डोंट नो व्हाई स्टिल इट इज़ हाईलाइटेड सो मच एंड मे भी हो सकता है लोग उसको फिर डॉट्स कनेक्ट करते हो कि अच्छा ये तो मिसिज है मिस नहीं है सो so इसलिए फिर वो एक चीज़ें कहीं ना कहीं वो यू नो बट 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 रियली हैविंग सेड ऑल दैट मतलब मुझे पता है कि मुझे क्वालिटी काम ही करना है और मेरे मेरे मुँह से एक इंटरव्यू में निकला भी था कि मैं मैं कैरेक्टर बेस्ड रोल करना चाहती हूँ और मुझे पता है कि मेहनत करती रहा और उस टाइम पे आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था ना कि डिप्रेशन किस चीज़ का हुआ था तो डेफिनेटली जब इतनी सारी कॉल्स और ये आती थी मुझे लगता था मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं बहुत सारे ऑडिशन भी दे रही थी उस टाइम पर एंड मुझे लगता था क्या मतलब ये यही रह गया ये मतलब इसके बिना रोल ही नहीं मिलने वाला तो वो एक कहीं ना कहीं ना ज़रूर एक थोड़ा सा वो कर देता है पुल बैक कर देता है बिकॉज मुझे पता है कि कितना हार्ट एंड सोल लगता है यू you नो know, हर चीज़ करने में या बहुत सारी चीज़ों के साथ में यू नो आई यूज टू मेक माई ऑडिशन और मैं भेज रही थी तो फिर मैंने वो एक गिव अप तो मैं नहीं करती तो इसी फिर मैं अच्छे रास्ते ढूंढती हूँ अच्छी सोच के साथ तो ये जो आ... कास्टिंग काउच चुका जाता है राइट right? ये जैसे एक लेडी ने आपको फोन किया चालीस लाख एक दिन फिर वो समझ गई कि आप भड़क गई थी तो ऑब्वियसली फिर एक साइड यू नो कवर अप करने के लिए साइड में बोल देते अच्छा बीस लाख ले लो दूसरा ब्रांड है ये सब ऐसा कभी आपको ब्लेटेंटली कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर या कास्टिंग एजेंट ने ऐसी और चीजें बोली थी जिससे आप बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी मुझे एक फेक मैसेज आया था मैं नाम तो नहीं ले सकती बिकॉज एक्चुअली में वो सही नहीं थे मतलब वो किसी का नेम यूज़ कर रहा जो भी इंसान था वो वो किसी का फेक नाम यूज़ कर रहा था उन्होंने मुझे मैसेजेस भेजना स्टार्ट करा कि मैं इस बड़े से ब्रांड का ओनर हूँ पहले तो मुझे हैरान हुई उनकी डीपी में तो उन्हीं की फ़ोटो लगी हुई थी एंड उन्होंने मैंने बात करनी स्टार्ट करी मैंने कहा हेलो हाँ यस तो उन्होंने कहा अच्छा आप सीधा कुछ मांगा ही नहीं मैंने आपका प्रोफाइल देख लिया है आप बताइए क्या क्या प्रोफाइल आपने काम करा हुआ है तो मैंने थोड़ा सा उनको जिस बताया उसके बाद इमिजिएटली वो नेक्स्ट उसमें आएँ कि आप मुझे इस होटल में इस रूम में मिलने आ सकती हैं मैंने कहा कि ये हंड्रेड परसेंट ये तो कुछ डाउट सा ही हो रहा है मुझे एकदम से जिस तरह से उन्होंने बात शुरू करी टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ ये तीन चार बार उन्होंने फिर से मुझे लिखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट हुआ जिसके थ्रू मुझे ये नंबर आया था मैंने उनको क्योंकि वो नंबर भी फेक था फिर मैंने जिनके थ्रू आया था मैंने उनको इंस्टाग्राम पे रीच आउट करा तो उन्होंने बताया कि मेरा नंबर भी फेक है ये वाला मेरा नंबर नहीं है और आगे जो प्रोड्यूसर का नंबर आपको गया है वो भी फेक है और बाद में मैंने नोटिस किया कि वो इंटरनेशनल नंबर था सो दै ऑफकोर्स आई ब्लॉक दैट पर्सन सो ऐसी चीज़ें भी होती है सोचो कोई कोई नया नया इंडस्ट्री में आया है मैं सोचती हूँ कि मुझे तो इतनी मतलब यू नो विद विद टाइम टाइम क्या मतलब एटलीस्ट एक पेशेंस है बट कोई अगर नया एकदम इंडस्ट्री में आया है वो रियली वट्स टू डू समथिंग एम एकदम से वो पढ़े आई मीन क्या साइकी से वो लड़की निकलती होगी कि आके होटल में मिल लो मुझे मतलब कहाँ से चीज़ें आती हैं अंड मुझे बहुत बारी ना ये बहुत सैड लगता है कि जब ये लड़कियों पे डाला जाता है कि आ, रोल्स के लिए ये रोल मिला है तो ये करा ही होगा या ये आ, ये रोल्स मिल ही नहीं सकते करे बिना पर मुझे लगता है ये रूट कॉज कहाँ से आ रहा है ये चीज़ें ऑफर हो क्यों रही हैं लड़कियों पे डालने से पहले आगे वो डिसीजन अलग है कि वो लड़कियाँ उसको हाँ कर रही हैं कि ना कर रही हैं आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनी बडीज चॉइस बट आई एम दिस इज कमिंग अप वाई दिस इज क्रॉपिंग वाई दिस हैपन्स कि आप ये चीज़ें ऑफर कर रहे हो क्या कर रहे हो मतलब आप एक तरह से किसी के सपनों के किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हो ना क्योंकि दैट पर्सन वॉन्ट्स टू डू डू समथिंग और आप फिर उनको बोल रहे हो कि अच्छा आप ये कर दो और आप ये ले लो मतलब दिस इज वेरी रॉन्ग एंड इमेजिन वो लोग जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं फॉर ड्रीम्स जो बचपन से सोचते हो अच्छा मैं स्क्रीन पे आऊंगी या यू डोंट गेट एवरीथिंग दैट यू वांट वो तो है ही तो तो तोड़ yeah. देता होगा टोटली totally, माने घिन आती होगी इंडस्ट्री के नाम से राइट right? uh, तो लिटरली यू ऑफर्ड इफ आई कुड से इन दुबई एंड लोग आपको कोट अनकोट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के नाम भी बताते हैं कि मुझे जानना ही नहीं है वो, वो मेरी इंफॉर्मेशन वो मेरी का पार्ट है ही नहीं मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी है बट मेरा पॉइंट है कि लोग ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं आपको कि देखो वेब सीरीज में यू uh, नो you know, मैं बोल्ड सीन्स की बात कर रही हूँ कि वेब सीरीज़ में आ गया कितना कॉमन हो गया है वेब सीरीज़ बनती नहीं है बोल्ड सीन्स के बिना या शॉर्ट मूवीज़ हैं वो भी नहीं बनती है बोल्ड सीन्स के बिना या मैम एक मुझे एक कॉल आया फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ तो वो उन्होंने मुझे बोला मैम आपका प्रोफाइल फाइनलाइज हो गया कन्नड़ मूवी है ली, फीमेल लीड एक्ट्रेस मैंने कहा ऑडिशन तो लिया नहीं इसने मतलब एकदम कैसे कहता है मैं बस प्रोड्यूसर के घर के बाहर खड़ा हूँ मैंने कहा ओके okay. तो कहते मैं बस जाने लगा हूँ अंदर आप बस वही पॉइंट बता दो मैंने कहा क्या पॉइंट बता दो आपको मैंने प्रोफाइल भेज दिया आप बताइए ऑडिशन है क्या है कैरेक्टर बताइए कहते नहीं नहीं वो बस मुझे पॉइंट बता दो आप कि वो कॉम्प्रोमाइज़ वाला बस है वो बस प्रोड्यूसर वही कह रहा है बस वो छोटा सा पॉइंट है वो एक छोटा सा पॉइंट है कॉम्प्रोमाइज़ वाला मैंने कहा आप ना मेरा प्रोफाइल आगे शेयर मत कीजिए आप यू टर्न मार लीजिए आपको जो करना करिए मेरा प्रोफाइल मत शेयर करिए आगे प्लीज़ So, ये लोग एग्जाम्पल देते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का जो शायद करती भी नहीं होंगी फॉर ऑल यू नो ताकि दूसरों को थोड़ा नच करे कॉम्प्रोमाइजिंग एंगल में एग्जैक्टली exactly. तो ये हमारे पूरा एक साइकोलॉजिकल इमोशनल वॉरफेयर है यार है कि नहीं uh, उसके बाद क्या हुआ कैसे आपने डिसाइड किया कि सिर्फ सिर्फ आई कि नहीं हो कैसे फिगर आउट किया पहली बात तो मैं बहुत ही जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं ना मुझे लगता है सब छोड़ के ना एज यूजल बिकॉज आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन तो मैं गॉड पे छोड़ देती हूँ कि थोड़ी देर आप अपने आप देखो मुझे अपने आप रास्ता दिखाओ बिकॉज दिस इज नॉट वेर आई वॉन्ट टू गो एंड आई नो राइट थिंग्स विल हैपन हमेशा सही चीज़ें होती हैं लेकिन कहते हैं ना श्रद्धा और सबूरी सबूरी रखो और श्रद्धा और बस फिर चीज़ें होती जाती हैं अपने आप से तो uh, मैं यही बोलूँगी कि समहाओ आई वॉज आई आई कैप प्रेइंग मैं यही बोल सकती हूँ और साथ के साथ मैंने अपने चैनल्स ढूंढने शुरू करे आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट मेरी uh, जो सिस्टर इन लॉ हैं वो जर्नलिज़म में हैं और उनका uh, मतलब उनके फ्रेंड्स हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि यू नो डायरेक्टर्स एंड तो उन्होंने सम्हाँ मेरा यू नो प्रोफाइल शेयर करा एंड uh, उनके पास एक स्क्रिप्ट uh, थी uh, तो ऐसे ही बस रैंडमली बात स्टार्ट हुई एंड देन वी मेट वंस तो वही है उसके बाद ऑडिशन हुआ एक बारी वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा जो भी इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोल माई गॉड जब वो रोल आया ना आई I मीन mean, मैं ऐसे थी कि मतलब ये तो ऐसे है अगर ये क्रैक हो जाए मतलब नथिंग लाइक इट उसके बाद तो मैं पूरा जैसे कहते हैं ना कि वो ऑडिशन से पहले ही मैंने उसको पूरा जो भी पूरे पेजेस की स्क्रिप्ट थी उसको रटना शुरू कर दिया कि दिस आई के नॉट लेट गो आई मीन इट कुड बी द ड्रीम रोल बिकॉज यू नो पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस था उसके अंदर मुझे वो नहीं जाने देना था तो वही हुआ कि एकदम से वही पॉइंट था जहाँ पे यू uh, नो you know, मैं डायरेक्टर से मिली एंड वहाँ पे यू uh, नो you know, जब ऑडिशन हुआ मैंने उनको लाइन्स पढ़ के सुनाई तो समहाओ ही गॉड डोज वाइब्स की मतलब ये रोल आप बहुत बढ़िया करोगे मुझे पता है so, that's that's उसमें आप कॉप प्ले करती हैं यस, yes. पर वहां पे मैंने जो ट्रेलर देखा है कि एक फुद्दू वर्ड है जो आपको कहा जाता है एंड सडनली वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि, कि उस लड़की को बचपन से फुद्दू फुद्दू बोला जाता है जिसकी वजह से जब बाद में जब वो बड़ी हो जाती है इंस्पेक्टर भी बन जाती है और वो फुद्दू वर्ड आके उनको कोई बोलता है तो ट्रिगर करता है आपको पर्सनल लाइफ में भी ऐसे होता है कि अब जो हमारी प्रियंका है जो ऐसे दिखती है मिसेज इंडिया कर चुकी है अब बॉलीवुड में एंट्री मार रही है अभी वो ट्रिगर पॉइंट्स कभी बार आते रहते हैं जो आपने झेला हो इतने सालों से एक्चुअली uh, बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स थे ऐसे पर्सनल लाइफ में बहुत बारी ऐसे हुआ है जहाँ पे मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई हैं और कहीं ना कहीं जब मैं ये रोल निभा रही थी तो मैं उन ट्रिगर पॉइंट्स को याद कर रही थी जैसे कि फॉर इंस्टेंस जब मेरी चार्ट अकाउंटेंसी नहीं हो रही थी तो मुझे लूज़र बोला गया था और कि मेरे बस का कुछ नहीं है लूज़र इज़ अ वेरी बिग वर्ड एंड वो भी ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल करना जो कि सिर्फ मेहनत कर रहा है क्या कर रहा है सिर्फ मेहनत करना चाहता है ना मेहनत कर रहा है बट लोग करते देख नहीं सकते और वो जब मैंने वर्ड सुना तो एक्चुअली में मैंने पूरी मूवी में ग्लीसरीन न्यूज़ नहीं करी है मैंने अपने पर्सनल लाइफ के इंस्टेंसेस ही उठा उठा कर याद करे हैं जब भी स्क्रिप्ट का कुछ पार्ट आता था ना कि ये वाला सीन इन एक्ट करना है मुझे मुझे लगता था अच्छा मैं ये चीज़ याद करती हूँ ये चीज़ याद करती हूँ कई चीज़ें लाइफ में नहीं हो रखी थी बट काफ़ी चीज़ें लाइफ में हो रखी थी जैसे आपने ये बोला वर्ड फुदू तो मैं उससे वो लूजर वाला याद करती थी कि वॉट मतलब मेरे लिए तो वो हेल्थ था सुनना लूजर वो थोड़ी होता है जो फेल हो गया लूजर तो वो होता है जो ट्राई नहीं करता में जो लोग ट्राई नहीं करते मैं, मैं लूजर तो मैं किसी को बोल नहीं सकती मेरी नेचर नहीं है बट आई सेइंग ट्राई नहीं करना वो कितनी बड़ी हार है आपको पता ही नहीं आप कहां तक जा सकते हो बट लोगों को लगता है ट्राई नहीं करना मतलब सेफ है बट आप ट्राई कर रहे हो आप मैं ट्राई कर रही हूँ ना मुझे ट्राई तो करने दो मेरी जर्नी है मैं हमेशा कहती हूँ मेरी जर्नी है मुझे आगे जाके सक्सेस मिलेगी या फेलियर नहीं मुझे एक और तरीका मिलेगा सक्सेस के पास जाने का फेलियर तो कुछ होता ही नहीं है फेलियर तो वही है कि वो कहते हैं ना इनसाइड टर्न फेल मतलब सक्सेस है बस एक और तरीका मिलेगा थोड़ी और मेहनत भगवान कहेगा थोड़ी और मेहनत डालो और अब सक्सेस आपको हासिल होगी मुझे मुझे देखने दो ना उसके बाद मेरे को मेहनत मुझे मेहनत करने के बाद मुझे आगे क्या मिलेगा बट वो हल्का हल्का भी आप आगे आगे जाते जाते हो ना तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आसपास वालों को लगता है मैं फैमिली की बात नहीं कर रही बट आसपास वालों को एकदम से लगने लगता है कि क्या हो रहा है लाइफ में इसकी यू ना या तो नीचे खींच लें या फिर मतलब और बहुत लोगों में मैंने बदलाव देखा है जो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं मिसिज इंडिया के बाद मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स लूज कर दिए बात ही करनी बंद कर दी है अपने आप से इंटमेट हो गए थे जलस हो गए थे क्या था मुझे नहीं पता वो एक बहुत ही एक स्टेटमेंट सुनने को मिलती है ना आ, कि को जैसे मुझे बहुत बोली गई है कि मैं मैं चेंज हो गई हूँ मैं क्या चेंज हो गई हूँ अगर मैं कल एक काम कर रही थी आज मैं पंद्रह काम कर रही हूँ अपनी मेहनत से तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए ना मुझे उस चीज़ में अगर आप मेरे सच्चे दोस्त हो या आपको ये बोलना चाहिए कि तू चेंज हो गई है या मुझे आप मुझे बता नहीं मतलब ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं जो मतलब बोलते हैं एकदम से कि बता मतलब मुझे मुझे पहले बताओ कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ आप क्या करने वाले हो कल मुझे बताओ उस बात पे भी मतलब लोगों ने फ्रेंडशिप अपने आप में मतलब बात ही करनी बंद कर दी अपने आप ही टूट गई बहुत कम फ्रेंडशिप्स हैं आज की डेट में और एक्चुअली मेरी फ्रेंडशिप्स भी मैं क्या बोलूँ मुझे लगता है हाँ बस ठीक है बट काफ़ी ऐसे वेलविश हैं जो मुझे एक्चुअली में इस पूरी जर्नी में मिले हैं जो बहुत ही सेल्फलेसली जो आपने बोला ना वेमेन सपोर्टिंग वीमेन मिली है मुझे वो लेडीज़ भी मिली है मुझे जो कि आज की डेट में बहुत सेल्फलेसली वो मेरे दोस्त भी नहीं है बट कहीं ना कहीं से वो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं कि आगे जाके एक एक मैं आपको एक बात बताती हूँ मैं जैसे कहीं पे जाती हूँ दो तरह के लोग मुझे मिलते हैं एक मुझे कहते हैं कि प्रंका क्या सक्सेसफुल जर्नी रही है बिकॉज हमने स्टार्टिंग से देखा हुआ है यहाँ से यहाँ पे आप पहुँचे हो कोई होता है कि तेरी लाइफ तो ईज़ी है मतलब सही है सब कुछ यार हस्बैंड है अलाउ कर देता है तो सही है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है तो नहीं हो पाता तो आप डिफरेंस देखो ना क्या है दोनों में दोनों की तो मैं तो ऐसे जब लोग कोई बोलता है तो मुझे लगता है मैं वापस से मैं जवाब भी नहीं दे पाती मतलब मैं क्या ही जवाब दूँ जब उनकी इतना बुरा माइंड है क्योंकि सब कुछ ईजी है आपकी लाइफ में ईजी तो कुछ भी नहीं मिलता किसी को मतलब आज तक मुझे ऐसा लगता है एंड आई एम अ पर्सन मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है जहाँ मुझे लगता है ना कि ये ऐसा रास्ता है ऐसा सीधा मुझे मैं ऐसे लूँगी पहले मुझे लगेगा कि बट सही होना चाहिए एक मुझे बोलोगे आसान रास्ता है लेकिन जल्दी से पहुँचा देगा यहाँ मुझे बोलोगे आपकी ये प्रियंका आपकी ग्रोथ है थोड़ा सा मुश्किलें आएंगी मैं वही लूँगी मैं कभी भी आसान रास्ता नहीं लूँगी स्मार्टनेस ऑफकोर्स वो एक ठीक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई एम लर्निंग बट लेकिन साथ के साथ मुझे मुझे क्योंकि ग्रो करना बहुत अच्छा लगता है हर दिन मुझे लगता है कि भगवान एक अपरचुनिटी देता है आपको कुछ ना कुछ नया सीखने की वो भी तो एक सक्सेस है हर दिन की जहाँ मैं कुछ नहीं कर पाती ना मेरी वहाँ एनर्जी लो हो जाती है कि हाँ यार आज कुछ नया नहीं सीखा मैंने चाहे मैं कुछ पढ़ लूँ चाहे मैं कुछ कर लूँ चाहे मैं, लू, मैं किसी भी तरह से किसी को खुशी दे दूँ वो भी एक पार्ट होता है मुझे कि मैंने कुछ नया करा बट हर दिन कुछ नया करने का मेरा मन होता है मतलब बहुत दिल से Hmm. और इसीलिए कहीं ना कहीं ना ये मूवी में जहाँ पे ये चाइल्ड ट्राफिकिंग का आया बिकॉज बच्चों से मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ जो मेरी फाउंडेशन है सोशल जो कॉज के लिए कॉज फाउंडेशन उनका नाम है और वहाँ पे हम जो कि बहुत ही हीनियस क्राइम से निकले हैं बच्चे जो कि यू नो ब्रेप विक्टम्स हैं या कि चाइल्ड एब्यूज से किसी भी तरह का चाइल्ड एब्यूज उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सो so, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो टूट चुके हैं मतलब वो टूट चुके होते हैं बुरी तरह से नॉट जस्ट फिज़िकली मेंटली कितनी हरासमेंट से वो निकलते हैं उनको जब आप एक जैसे पापा कहते हैं ना सरस्वती का वो वो दे दोगे ना उससे बड़ा कुछ टूल नहीं है तो वो सरस्वती का टूल हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हों वो मतलब मुझे लगता है हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है पर लड़की के लिए तो खासकर क्योंकि हर पॉइंट पे एक लड़की को प्रूफ करना ही पड़ता है अपने आप को नो no मैटर कितना यह वर्ल्ड बोल दे कि इक्वल हो गया इक्वल नहीं हुआ है क्योंकि तो आज भी लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है आप सुंदर लग रहे हो कितनी अच्छी बात है मतलब बट मुझे आज की डेट में कोई आके बोलते हैं ना आप सुंदर लग रहे हो उतनी खुशी नहीं होती है लेकिन आज की डेट में कोई आके बोलता है कि आपने कितनी मेहनत करी है आपने क्या काम करा है वो ज़्यादा खुशी देता है बट बहुत कम लोग बोलते हैं मुंह से निकलता ही नहीं है मुझे बड़ी हैरानी होती है और बहुत अच्छे अच्छे मतलब दोस्त मैं सोशल मीडिया बात करूं, मतलब मैं तो कि की बात करूँ मतलब कोई कर ही नहीं रहा मतलब कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा हेलो मेरे दोस्तों मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है अंगार यानी कि फायर पावर फ्रॉम विद इन टी शर्ट्स हुडीज sweatshirts jumpsuits, bags mugs sub available at angar.store. store link here our description maybe so check out the merchandise purchase it price both reasonable hai, and the clothes are very easy and comfortable to wear Angar, machao जब लोगों को पता चलता है कि आप मिसिज इंडिया हो मिसिज बींग द कीवर्ड है तो जो आपको काम देते हैं एज एन एक्ट्रेस प्रोड्यूसर हो डायरेक्टर हो कास्टिंग एजेंट्स हो वो बैकसेट बैकसीट uh, लेते हैं कि नहीं वो बैकसीट लेते हैं कि अच्छा ये तो मिसेज है तो यानी कि इनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा या उनसे कुछ चीजें जो करवाना चाहते हैं जो सही नहीं है

मतलब वो बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा कि मुझे नहीं करना अभी अभी नहीं करना मुझे एज एन इन देंस कि बिकॉज आई फील दैट आई कैन आई मीन आई आई डोंट लुक लाइक दैट सो नॉट नॉट जस्ट दैट बट ऑफकोर्स मेरा सी सबके अपने ड्रीम्स हैं सो so मेरा अभी है ऑफ़कोर्स आई वॉन्ट टू और अभी भी बाई गॉड्स ग्रेस जो मैंने अभी रोल करा है सो एज अ फीमेल लीड करा है so सो वाई नॉट ड्रीम्स तो देखनी चाहिए जब तक देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे बट पहले आप अपने आप को अगेन अगर बॉक्स में बंद कर लोगे कि हाँ ठीक है अब तो मिसेज़ हूँ रोल मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे तो ठीक है मैं कर देती हूँ बहन का या आ, भाभी का तो फिर वो फिर वैसे ही होगा मतलब जब तक बड़ा नहीं सोचोगे बड़ा कैसे होगा और बड़ा क्या मतलब मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं है फिर हम मैं खुद को ही टाइपकास्ट कर रही हूँ ना उस चीज़ में तो मैं दूसरों को बोल रूँ कि वो क्या जज करेंगे मैं तो फिर खुद को ही जज करके बैठी हूँ कि अभी आज के आपने देखा है कि अभी यू नो आई मीन एम सच बिग फैन ऑफ आलिया भट्ट यू नो इवन आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी शी इज़ इन टू अ मूवी शी इज़ डूइंग अ मूवी अभी इन्होंने मूवी करी है रॉकी रानी जो करी है उन्होंने पूरी यू नो इट्स सच अ बिग एग्जाम्पल बहुत अच्छी बात है कि ऐसी स्टीरियो ब्रेक हो रहे हैं इनफैक्ट मेरे लिए तो ये इतना बड़ा सीरियो था कि एक मिसिस जो है वो मूवी में जा ही नहीं सकती मतलब अपना करियर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है मूवीज़ मिलना एक मिसिस को मुझे किसी ने आके कि ये भी बोला कि मैम आप मिस इंडिया होते तो तो इजी होता मिसेस तो मुश्किल है मिसेस इंडिया विनर का तो बहुत मुश्किल है फिर भी देखते हैं हम ट्राई करते हैं क्या हो सकता है मिस इंडिया विनर आपने मतलब ऐसा नहीं कि सबको मिल जाती है बट इट्स स्टिल एन ईजी आई मीन आई शुड नॉट से इट्स एन ईजी पाथ बट फिर भी मैंने देखा है कि मतलब मैंने लोगों से सुना है कि आप अगर मिस इंडिया होते तो हम आपको जल्दी से हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता आपको आगे आपका प्रोफाइल करना क्योंकि आप मिसेज इंडिया हो इसीलिए बहुत मुश्किल है मैंने बहुत सारी लेडीज से बात की मेरे शो पे सम ऑफ देम हैव गॉन थ्रू वेरी बैड मैरिजेज और यहां पे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर यू हैव हस्बैंड सिद्धार्थ सिबल जो जो बहुत सपोर्ट करते यहां पर सेवेंटी फोर की थी उन्होंने मुझसे कहा कि देखो सिड ये सेवेंटी फोर के जी वाली लड़की से मैंने शादी किया था ही वॉज नॉट जजिंग यू ऑफ वो जेन्यून एक बॉन्ड था राइट एंड फॉर मीट सो ब्यूटिफुल टू फाइनलीउर आई एम एन अट मैरिज टू थैंकफुली एंड दिस मैन उससे शादी हो चुकी है अब तो एक्टिंग कर मैं खड़ा हूं क्योंकि वो तुम्हारी ड्रीम है अब टू मिसिज इंडिया के एक कोशिश कर राइट there are good people that exists right i always say ki uh, ye ye saying to sabne suni hui hai na behind every successful man there is a woman but mere case mein hai that behind every main hamesha bolti hu behind every successful woman hmm. there is a progressive man और वो progressive man मेरे केस में मेरे husband हैं मतलब मैं मैं सोच भी नहीं सकती थी जो तो चीज़ें मैं कर रही हूँ and it is all because of my husband's support और इतना मतलब सिर्फ सपोर्ट और गाइडेंस नहीं मतलब जहाँ पे मुझे लगता है ना नहीं मैं नहीं कर सकती मतलब मैं कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मैं बहुत थक गई हूँ या अब एनर्जी नहीं बची है तो वो बूस्ट करे करेंगे हमेशा सिद्धार्थ कि नहीं यू कैन डू इट आप कर सकते हो अब मैं देख रहा हूँ यू विल डू इट मतलब कितनी ऐसी आई uh, थिंक मेरी सोच के भी बाहर मैं अगर ये चीज़ बोलूँ कि मेरे ड्रीम्स को सिद्धार्थ ने विंग्स दिए हैं तो छोटा नहीं होगा बोलना क्योंकि उसने दी है नाम भी तो सिद्धार्थ है ना हाँ सो so, कोई कुछ भी बोल दे मिनटैक्ट कोई कुछ नेगेटिव भी बोल दे कि आप मिसेज हो कहेगा कैसी बातें कर रहे हो मतलब मिसेज हो तो क्या हुआ मिसेज इंडिया हो तो क्या हुआ मूवीज भी uh, मतलब बिकॉज ही सेज बिकॉज यू हैव टैलेंट मेन इज टैलेंट टैलेंट है तो और पूरे हार्डवर्क uh, करो हार्डवर्क नहीं करना छोड़ो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि कुछ भी आता है ऑडिशंस आता है वहाँ पे अपने हंड्रेड दो मतलब ऑडिशन फोड़ दो वो एक लाइन सुन के ना मुझे लगता है मैं थकी हुई होती हूँ कि नहीं हिम्मत नहीं हो रही नहीं नहीं मेहनत करो ऑडिशन फोड़ो एकदम एंड फिर वहाँ पे मैं हंड्रेड परसेंट देती हूँ ऑडिशन भी अच्छा निकल कर आता है सो दैट्स हाउ यू नो वी जेल दैट्स हाउ ही सपोर्ट वो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें ही आ, इतनी बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ यू नो हिज सपोर्ट कोई ऐसे आके बोलता है कि हस्बेंड ने अलाउ कर दिया तो वो चीज़ें भी मैं आके सिद्ध से डिस्कस कर रही होती हूँ कि ये किसे बोलना इन्होंने मुझे तो वो मुझ वो मुझे ही समझा रहे होते हैं कि इग्नोर पूरी लाइफ इग्नोर करा है ना तो ये भी इग्नोर करो लोगों का काम है कहना लोग तो कहेंगे हम कहते हैं लोग कह लोग कहते कुछ कहते हैं एल के के कुछ ऐसा ऐसा हाँ है। हाँ एक सेंग है तो हम वही बोलते हैं लोगों का काम है कहना लोग तो कहते रहेंगे एक बहुत बड़ी मेरे को एक ट्रोल्ड मैसेज भी आया था मेरे फेसबुक पर पता नहीं कौन से अकाउंट से निकल के किसने मुझे भेजा कि आप मिसेस कैटेग आप मिसेस इंडिया विनर हो आपको आ, आपको ये अपने वेट के बारे में बताना ही नहीं चाहिए मतलब लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ना पॉजिटिव पॉइंट को भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं मेहनत को भी नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं अपने आप टूटे हुए दांतों को छुपा रहे हो आ, आ, वो कुछ करा के और बहुत बहुत ऐसे अजीब अजीब से मैसेजेस आते हैं तो आप लोग आउटसाइडर्स हो राइट right? क्योंकि आप इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते एंड इट्स नॉट इजी राइट जो इंडस्ट्री से उनको मालूम है कि करण जोहर के पास जाना है एक्सेस है फोन कर देते हैं घुमा देते हैं पार्टियों में मिल जाते हैं आप लोग के पास वो प्रिवलेज है नहीं तो जब ये सारी चीजें होती है आपके साथ फॉर एग्जाम्पल uh, से ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सो रही है काम के लिए तो आपको पुश करने की कोशिश करें ऑब्वियसली यू स्ट्रॉन्ग हेडेड यू वॉलो इन टू दैट ट्रैप

कि जब मैं उनसे ये शेयर करती हूँ ना मैं हिली पड़ी होती हूँ उस टाइम पे mm -hmm. कि सिद्धार्थ ये कैसे किसी ने बोल दिया यार आके मतलब तो सिद्धार्थ मतलब वो मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि प्रियंका आप छोड़ दो जस्ट इग्नोर जस्ट जस्ट मूव ऑन उसको भूल जाओ वो चीज़ हुई है आई एम विद यू हियर मैं बिल्कुल हम बहुत ही अच्छे यू you नो know, हमें पता है हमारा मन सच्चा है अच्छी चीज़ें आएंगी वो हमेशा यही बोलते हैं मन सच्चा है, अच्छा है भगवान पे विश्वास है मेहनत करने की हिम्मत है ना बस अपने आप रास्ते खुलेंगे और खुले हैं जब आप ऑडिशन्स के लिए जाते हो आप अकेले जाते हो या उनके साथ जाते हो मैं सिद्धार्थ uh, uh, के सिद्धार्थ इज ऑलवेज अराउंड ऑडिशन के टाइम तो नहीं बट हाँ ही मोस्टली वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं मतलब मोस्ट मोस्ट ही इज़ देयर मेरे मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स भी प्रमोट करती हूँ एंड यू नो फोटोशूट्स वगैरह भी होते हैं तो किसी नए के साथ जब मैं यू uh, नो you know, मैं फ़ोटो शूट हो रहा होता है मेरा सो आई प्रेफर किसी द्वारा साथ में हूँ अब ये रियालिटी है ना आपने क्वेश्चन मुझे पूछा था कि मिस क्यों नहीं मिसेस क्यों क्योंकि मुझे पता है ये एक हार्ड फैक्ट एक सैड रियालिटी है कि थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल एज इट सीम्स ग्लैमरस ग्लैमरस दिखता है लेकिन कितना कड़वा साथ छुपा है ना तो मुझे आज इसीलिए मेरे लिए तो बिल्कुल जो काया पलट बहुत ही पॉजिटिव वे में हुई है वो इसीलिए हुई है कि मुझे मैरिज के बाद कुछ ख़त्म नहीं हुआ मुझे एक प्लस वन एक सपोर्ट मिला है मेरी स्ट्रेंथ वो कहते हैं ना इनफाइनाइट हो गई है मुझे पता है कि सिद्धार्थ है साथ में मेरे खड़ा है वो कोई हाँ कोई कुछ कह नहीं, नहीं <laughs> so, तो बॉलीवुड में एक टाइम पे शादी माने एक्ट्रेस का करियर एक्टर्स hmm. के लिए तो घंटा कोई कुछ कहता था एक्ट्रेसेज hmm. के लिए हमेशा होती थी अब द न्यू एज जो हमारी एक्ट्रेसेस है जो खुद के रूल्स बना रहे बट आई कैन स्टिल परफॉर्म बेटर क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंसिस से यू बिकम बेटर एक्टर और एन एक्ट्रेस राइट इफ आई सेड जो दो मिस्टेक्स आपने शायद लाइफ में की होगी जब कोई याद है जब कहती है कि यार ठीक है हो गया बट मैंने उससे बाउंस बैक किया वो क्या थी? पहली मिस्टेक तो जो मैंने करी है वो है कि बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड तो कभी कोई कुछ बोल देता था तो वापस से मतलब कुछ बोलना ही नहीं अंदर अंदर कि हाँ ठीक है सब ठीक है और बाद में घर जाके उसके बारे में यू you नो know, इतने आंसू रहे हैं सो so, मुझे लगता है वो बहुत गलत बात है मतलब आपको अपना स्टैंड लेना लाइफ में बहुत ज़रूरी है अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसा नहीं कि वापस से चिल्लाना ही है लेकिन एटलीस्ट यू शुड पुट अक्रॉस योर पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोग आपकी काइंडनेस को कब आपकी कमजोरी बना देते हैं आपको पता ही नहीं चलता आप तो अच्छे वे में उनको वापस से नेगेटिव किसी ने आपको नेगेटिव बोला और वापस से आप नेगेटिव नहीं बोल रहे नेगेटिव नहीं बोलो लेकिन बोलो कि दिस इज़ माई स्टैंड दिस इज़ वॉट इट इज़ I've with, मैंने समय के साथ सीखा है बट मुझे लगता है बहुत जरूरी है कुछ भी कुछ भी पॉइंट आपको गलत लगता है वापस से उसका जवाब देना असर्टिव वे में बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जरूरी है ये आई अंडरस्टैंड क्योंकि कभी कभार आप अच्छे रहते हो लोगों के साथ तो वो सोचते कि यार कमजोर है इट्स इंपॉर्टेंट टू पुट योर वॉइस अक्रॉस

अनफिल्टर्ड पूरा वो सब आप लेते जाते हैं अपने अंदर की अच्छा इसने बोल दिया इसने बोल दिया और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं मतलब मैंने कितना वो लाइफ में गलत करा है कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है और उसको सुन लो और उसके ऊपर फिर सोचते रहो कि अच्छा इसने ये बोला मतलब मुझे हाँ सही है शायद हाँ आई मीन लूज़र तो बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन बोल दिया अच्छा मैं मैं कर सकती हूँ मतलब वो एक डाउट्स मैं कहती हूँ वन परसेंट भी डाउट नहीं आना चाहिए किसी की बात सुन के वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली नाइन्टी परसेंट लोग तो वैसे ही होते हैं जो आपके भले के लिए नहीं बोलते वो पता है आपको अंदर से मालूम है मैंने फिर से बोलूँगी मैं कि सिर्फ आपकी फ़ैमिली होती है और बहुत ही गिने चुने एक दो दोस्त आप लाइफ में बनाओगे जो कि इस तरह से होते हैं जो सेल्फलेसली आपके बारे में सोचते हैं जो कि सही सलाह आपको देते हैं सलाह तो कोई क्या देगा मुझे लगता है सलाह कोई दे सकता नहीं है वैसे मेरा ये मानना है आपकी अपनी लाइफ की बैटल होती है आपको अपने आप पता है कि क्या आपके सरकम चल रहे हैं आज की डेट में मुझे कोई बोलता है कि प्रियंका ये चीज़ कर लो या आप ये आप कैसे करो किसी को क्या पता कि वट आई एम गोइंग थ्रू मैं हमेशा कहती हूँ मैं जैसे पहले था किसी ने मुझे बोला कि जब सी ये कर रही है कि शादी कर ले उसके बाद शादी हो गई तो फिर अब आप, आपको पता है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं कंटिन्यूसली लोगों के वो आते हैं तो मुझे लगता है कि आप आपको नहीं पता मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलती हूँ दैट यू नो नो बडी नोज वॉट आई एम गोइंग थ्रू और वॉट आई एम ग्रोइंग थ्रू सो वो मेरे तक रहने दो ना मेरे पे छोड़ दो मुझे पता है कि मैं किस से गुजर रही हूँ या मैं किस चीज़ से उभर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं बाउंस बैक करूँगी कभी ऐसा हुआ है कि आपको बोला गया है कि एक बड़े डायरेक्टर से मैं आपको मिलाऊंगा और फिर बाद में आपको लगा कि चुना लग गया वो क्या हाँ। कोई कोई <laughs> हाँ, मतलब कि किसी ने बहुत ही बड़े डायरेक्टर का नाम लेके मुझे बड़ी बारी बना के ले गए आज तक मुझे पता ही नहीं कि वो होता क्या है उसका करण जौहर का नाम लेते हैं वो मैं नाम नहीं बता सकती हूँ उनका लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि मैं करण जोहर के उसमें हूँ होंगे भी मुझे नहीं पता लेकिन मुझे और उन्होंने आपसे ऑडिशन करवाया तीन दो तीन बार ही कराया क्या था नहीं मैं जहाँ पे होती हूँ you know, ट्रैवल करते हैं एंड जैसे मैं किसी होटल में स्टे कर रही हूँ वहां पे आके बाहर ही लॉबी में जैसे ब, पूरा बट देखिए ना टाइम कितना लगता है मतलब ऑडिशन बनाने में तो तैयार हो पूरा उसके बाद वो पूरी स्क्रिप्ट आती है आप वो याद करो उसके बाद आप बोलो एंड बहुत ही लिमिटेड टाइम है आजकल सबके पास मतलब पूरा आप उसमें तीन चार घंटे लगा दो और उसके बाद गायब हो जाओ उसके बाद तो एक दो बार तो ऐसे पहली बार तो लिटरली ऐसे हुआ कि तब मैं मिसिज इंडिया जीती थी तो पहली बार जब मुझे ये शख्स मिले तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे uh, ऐसे है और uh, आप इंट्रोडक्शन uh, मतलब अपनी बना दीजिए मैंने कहा अच्छा मैंने कहा अच्छी बात है इंट्रोडक्शन करण जौहर को जारी है आगे मुझे तो ये लगा ना उन्होंने मुझे बोला कि करण जौहर के मैं असिस्टेंट हूँ तो मैंने uh, उनको अपनी इंट्रोडक्शन बना के तो मतलब उसी टाइम उन्होंने मेरी रिकॉर्ड करी और मैंने देखा उसके अब ये क्या होगा कोई जेनविन बंदा होगा तो क्या करेगा वो इंट्रोडक्शन आगे पहुँचेगी ना मेरी वो इंट्रोडक्शन उनके इंस्टाग्राम पर लग गई लिख कर की नाइट आउट विद मिसेस इंडिया तो वो और डीपी चेंज हो गई मेरे मेरे साथ उन्होंने अपनी डिस्प्ले पिक्चर लगा दी व्हाट्सअप पे तो मुझे बहुत ही एक वो वाइब्स आती है ना कि कोई अगर लिटरली कोई काम में ही है लोग खाली उनको काम से काम में मतलब होता है मुझे पता है ऐसे बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज हैं जेनमेन वाली जो सिर्फ काम से काम बात करती हैं मैम ये ऑडिशन आया ऑडिशन भेजा खत्म नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे वाला होता है सिर्फ वर्क टू वर्क दैट्स इट There are many But ऐसी जब होती है तो मुझे एक लग है। कोई रीच आउट भी करता है ना कि ऐसे मैं इनको जानता हूँ मैं इनको जानता हूँ और होगा आप जानने में तो कोई फोटोज तो कैसे भी खींच सकती हैं बट मेरे को थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऐसे कौन करेगा कि इंट्रोडक्शन को अपने इंस्टाग्राम की रील बना के डाल दिया तो इन्होंने तीन बार ऑडिशन करवाया करण जोहर के लिए यह कहते हो कि मैं कि उनकी मूवी है हाँ, उनकी मूवी आ रही है फिर एक उन्होंने ऑडिशन कराया और फिर बहुत ही फ़नी चीज़ भी हुई <laughs> कि उन्होंने ऑडिशन बनाया मेरा मतलब उन्होंने कहा मैं आपका ऑडिशन बना रहा हूँ उसके बाद फिर वो अपना वीडियो भी बोल रहे हैं आप मैं मेरा भी सेम वे में आप मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए तो फिर मैं उनका मैं मतलब मुझे लग रहा था मन में कि मैं क्या कर रही हूँ ये मैं लिटरली उनका वीडियो रिकॉर्ड करा एंड देन वो अपना वीडियो डाल रहे हैं इंस्टाग्राम रील पर तो और और पैटर्न बहुत अलग है उनके पेज का ना कि वो हर बोलते हैं कि जिसको भी काम चाहिए वो आके मतलब लाइक करिए कमेंट करिए और काम मिलेगा ऐसे काम मिलता तो क्या बात थी तो तीन राउंड किया आपने हाँ। पर आपको पहले राउंड के बाद समझ नहीं आया कि राउंड टू नहीं करना चाहिए फिर राउंड थ्री नहीं करना चाहिए राउंड टू उन्होंने किसी और डायरेक्टर का बोला कि ये डायरेक्टर का आया है और ये बस ये मूवी आने ही वाली है कौन से मैंने वो भी एक नो नहीं थे मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे बट उन्होंने ऑपोजिट बोला था अक्षय कुमार के साथ है और ये एक सेकंड लीड रोल है थोड़े मिनट्स का है तो वो पूरा ऑडिशन मैंने बना कर दिया मतलब ऑडिशन मैंने बनाया था उन्होंने मेरा रिकॉर्ड करा था उस टाइम पे तीसरी बार तीसरी बार ऐसे ही कुछ था उन्होंने कहा बड़ा ही ना स्ट्रॉन्ग रोल है मुझे बस आपकी वो चाहिए एक स्ट्रॉग सी वॉक चाहिए मतलब जैसे कि आप एटीट्यूड में लिफ्ट से निकल कर आ रही हैं और बट मैं वही तो आपको वही फ़नी इंसिडेंट बता रही हूँ मैं एटीट्यूड में लिफ्ट से निकल कर आई उन्होंने वीडियो बनाया उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है मैं भी करता हूँ उन्होंने भी ऐसे एक्ट करा तो मुझे उस टाइम लगा कि बस और सिद्धार्थ भी साथ में थे तो उन्होंने कहा बस आप ये दोबारा नहीं ये इस वी विल वी आर नॉट फॉलोइंग इन दिस ट्रैप सो मैं ये नहीं कह रही कि कुछ वैसे वाला नेगेटिव बट टाइम वेस्टेज है कितनी ज्यादा पर एक चीज़ मैं बोलू मतलब मुझे यकीन है कि इस के बाद, <laughs> आपका मैसेज <laughs> तो देखते, देखते, पर मैसेज मैं गारंटी बोल रहा हूं कि पहुंचने वाला है यार तो एक तो करण जौहर के नाम से आया पर आपने एक और प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के बारे में भी बोला था उन्होंने आपको ऑडिशन करने के लिए राइट ये किसी और इंसान ने आपको बोला था और वो कौन से डायरेक्टर के बारे में उन्होंने आपको गोली दी थी तो so बेसिकली मेरे पास एक मैसेज आया जो कि मानव मंगलानी के नाम से आया तो पहले तो मुझे मतलब उन्होंने मैसेज में लिखा कि ये ये एक प्रोड्यूसर हैं मैं आपसे मैं मैं आपसे कुछ प्रोड्यूसर्स के नाम शेयर कर सकता हूँ इफ़ यू वॉन्ट एंड आई कैन शेयर योर प्रोफाइल विद डेम मैं मैं आपका प्रोफाइल उनसे शेयर करता हूँ और मैं आ, उनका जो नंबर है आपसे शेयर कर देता हूँ सो so, मैंने कहा ठीक है बताइए कि मानव मंगलानी यू नो इज़ अ बिग नेम तो मुझे पहले ये डाउट नहीं हुआ कि वो मानव मंगलानी नहीं है पहली बात तो uh, उन्होंने आगे मेरे से uh, एक नंबर शेयर करा एंड uh, उन्होंने कहा ये टी uh, सीरीज़ के जो हेड हैं भूषण कुमार उनका ये नंबर है और आप इनसे बात कर लीजिए मेरी ऑलरेडी इनसे बात हो गई हुई है आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड है इनके एक प्रोजेक्ट के लिए So, uh, मैंने इनको उनको उस नंबर पे हेलो लिखा और उस पर भूषण कुमार की डीपी भी लगी हुई थी डिस्प्ले पिक्चर भी लगी हुई थी उस व्हाट्सएप uh, पे एंड उन्होंने मुझे लिखा यस uh, मतलब उन्होंने हेलो मुझे लिखा उसके बाद फिर uh, बात जब मैंने उनको बोला कि uh, उन्होंने मुझे बोला पहले कि आप अपना uh, प्रोफाइल शेयर करिए सो so, मैंने प्रोफाइल शेयर करा फिर उन्होंने मुझे तीन बार ही क्वेश्चन पूछा कि टेल मी मोर अबाउट योर तो अब टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट मुझे लगी पहले सुनने में कि अपने बारे में और बताइए ये कौन पूछता है प्रोड्यूसर यू नो आप ऑडिशन लिंक्स मांगोगे आप वर्क लिंक्स मांगेंगे बट आप ये नहीं पूछेंगे सो so, um, मैंने कहा आप बताइए आपको क्या डिटेल्स चाहिए सो so दैन उन्होंने कहा कि um, अच्छा आप सिंपल बताइए आप मुझे ना हम मिलते हैं सीधा हम मिलते हैं आप मुझे इस होटल के इस होटल रूम में आके मिलिए हम बाकी की डिस्कशन वहीं करेंगे तो मैं एकदम अंदर से हिल गई कि ये क्या मैसेज आए एकदम से बिकॉज ऑफ़ कोर्स ये पढ़ के ही समझ में आ जाता है आपको एंड देन मैंने अचानक से नंबर देखा तो वो एक इंटरनेशनल नंबर था तो मुझे वहाँ डाउट हुआ पहली बात तो कि इसका मतलब ये भूषण कुमार का नंबर नहीं है ये कोई फेक किसी ने मुझे मैसेज करा है उनके नाम से उसके बाद मैंने वापस से गई जिस नंबर से जिससे ये सोर्स आया था मुझे मानव मंगलानी जी के नंबर से मैंने वहाँ पे देखा तो वो नंबर तो मुझे डाउट हुआ मानव मंगलानी कोर्स इज़ अ बिग नेम मैंने उनको इंस्टाग्राम पे रीच आउट करा इमीडिएटली मैंने उनको मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजा मानव ने बोला इमीडिएटली आप ये नंबर ब्लॉक कर दो ये मेरा नंबर नहीं है और ये मतलब ये सोचो आपकी ये कि कितनी जगह पर ऐसे नंबर फैल रहे होंगे एंड देन ही थैंक डू ऑल्सो कि अच्छा हुआ आपने ये चीज़ बताई मुझे बिकॉज यू नो उनको मैंने ब्लॉक करा मैंने फिर वो जो भूषण कुमार इम्पर्सोनेट कर रहे थे जो बता रहे थे कि भूषण कुमार है मैंने उनको ब्लॉक करा मतलब ये तो उस टाइम पे मतलब मैं नहीं उस चीज़ में फॉल हुई बिकॉज आई अंडरस्टुड कि वो क्या कह रहे हैं पहले तो कह रहे हैं अपने बारे में और बताइए और फिर पूछ रहे हैं कि आप इस होटल रूम में आके मिलिए रात को बुलाने के लिए मतलब उन्होंने मुझे लिखा कि आप ये कल कल आके मिलिए बाकी की डिस्कशन वहीं होगी इस होटल में होटल रूम में सो so, इमीजिएटली मतलब वो तो अच्छा हुआ कि जो सोस था यू uh, नो you know, मानव थे उनको इमीजिएटली मैंने इंस्टाग्राम पे लिखा उनको भी मैंने बताया कि ऐसे आपका नेम कोई यूज़ करके कोई यू नो नंबर किसी ने uh, किसी और नंबर से मुझे मैसेज आ रहा है आपके नाम से और वो आपके नाम के थ्रू बता रहे हैं कि आगे ये प्रोड्यूसर हैं तो उनका नाम भी तो उस चीज़ में मतलब इट इज़ सच बिग सच अ बैड रैकेट मतलब पता नहीं क्या चीज़ इससे इनको मिल रहा था बट मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तो वो चीज़ स्टॉप कर दी वहाँ पे लेकिन सोचिए आपकी जो छोटे छोटे यू you नो know, शहरों से लड़कियाँ आती हैं एकदम से उनको आप ये चीज़ बोलो और, और अगर उनको ये चीज़ ना समझ में आए या यू नो लिटरली दे वांट टू एकदम से मतलब नहीं उस चीज़ को पकड़ पाती हैं और वो चली जाती हैं तो क्या होता होगा पता नहीं वो कौन कौन लोग थे आफ्टर दिस sure बहुत से लोग और भी अवेयर हो जाएंगे थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस साफ और बिग बॉस ऑफर आया है मैंने सुना है हाँ जी बिग बॉस ओ टी टी प्लेटफॉर्म का ऑफ़र आया था आ, मुझे मिस इंडिया के बाद बट आ, वही है उस टाइम पे थोड़ा सा न, थोड़ी सी नई थी मैं आ, तो बस वही बात अभी थोड़ा सा कॉन्वर्जेसन वहीं पे रह गया और uh, मुझे लगता है थोड़ा सा वो ज़रूर होता है बिग बॉस में कुछ कंट्रोवर्सी हो रखी हो या कुछ वैसा सो so, वो चीज़ मतलब ठीक है अब आगे देखते हैं कुछ आता है तो करना चाहिए ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने बट अभी मैं ऑनेस्टली uh, मैं अभी ज़्यादा जो है वो अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ कि जीज़ाते. जो भी अच्छी सी स्क्रिप्ट्स आती है मेरे पास और ज़्यादा मैं और अच्छे अच्छे रोल करूँ बढ़िया बढ़िया रोल करूँ एकदम पावरफुल रोल करूँ और देख के कह के अच्छा प्रियंका ये भी कर सकती है वो करना चाहती हूं पहले ओके okay, ये है सिड ओके okay. ये बताइए मुझे कि योर ड्रीम डायरेक्टर जिससे आप तड़प रही हैं काम करने के लिए कौन है विश लिस्ट में करण जोहर <laughs> वो शायद हो भी जाए <laughs> और क्यों

ज आई मीन बच्चों की गलती नहीं है लाइक बट इट्स जस्ट दैट आगे का जो क्राफ्ट है उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ एवरी इवन इफ दे आर अ नेपो खेड बट इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क ऑन देयर क्राफ्ट एंड टू वर्क हार्ट दैट्स फॉर आई बिलीव आई में एक दो फिल्में मिल सकती है चार फिल्में मिल सकती है पाँच फिल्में मिल सकती है पर उसके बाद एक टाइम जब ऑडियंस बोलेगी बस और चांसेस मत दो इफ यू डोंट मतलब एंट्री मिल जाएगी लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे जनता तो बिल्कुल वैसे देखेगी ना मतलब आप एक नेपो हो उसके बाद लेकिन कितना आगे वो चीज चल सकती है अगर आप आउटसाइडर आप दो फिल्में फ्लॉप दोगे तो शायद तीसरा ना मिले दो भी बड़ी बात होती है उनको चांसेस मिलते हैं चार पांच छः वो मिल जाते है। उनको ये भी होता है कि अगर दे लॉन्च इन अ टिपिकल बॉलीवुड पॉट बॉयलर mm. मसाला भी है ये भी है अगर उनको अपना इमेज चेंज करना है उनके परिवार के लोग या अंकल चाचा वो mm. सब बना देते हैं दो एक्टर्स जो आप कहते हैं मेरे सामने हो मजा आ जाएगा सीन में कौन है शाहरुख oh my god, his eyes, it's like really, I mean, and when he cries, I मुझे तो पता नहीं मैं वापस सामने से क्या रिएक्शन होगा मेरा बट रियली आई थिंक जो उनके जितने भी उनके uh, वीर जारा या इस तरह की मूवीज हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत ही सीरियसली यू नो रोने वाले स्पेशली सीन्स करे हैं इट्स इट्स अमेजिंग आई थिंक एक और एक्टर डाल सकते हैं लिस्ट में अमिताभ बच्चन आई I मीन mean, फॉर एवर फॉर एवर एंड एवर अमिताभ बच्चन इट्स सच अग ड्रीम टू जस्ट यू नो बी इन द सेम कैमरा विद हिम अगेन इज आई स्पीक आई मीन वो बोलते भी नहीं हैं मतलब उनकी आंखें बोलती हैं रणबीर को देखा अपने एनिमल में बिल्कुल रणबीर इज अ ब्रिलियंट एक्टर आई मीन वॉट क्राफ्ट आई मीन एनिमल मूवी देखकर लिटरली मुझे लग रहा है कि ब, जो एक्टिंग रणबीर की एनिमल मूवी में देखी है ही हैज़ बीन ही इज़ ऑलवेज बीन नेचुरल एक्टर बट एनिमल मूवी में जिस तरह से उनकी पूरा क्राफ्ट दिखाया ना एक मतलब इमोशंस का मैं किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकती वो उस लेवल पे करते हुए और हर आई थिंक हर एज का उनमें यू uh, नो you know, आपने देख हमें देखने को मिला है मतलब यू नो बीट उन्होंने ओल्ड साइड भी प्ले कराया उसमें एंड स्पेशली जो एंडिंग देखी आपने बिल्कुल नेगेटिव प्ले करना और वो जो ग्रे शेड ग्रे शेड प्ले करना इज नॉट ईजी एट ऑल मतलब जिसमें आप एक मेन लीड एक्टर हो और साथ में आप थोड़ा सा आपका नेगेटिव शेड भी आ रहा है थोड़ा सा आ रहा है मतलब वो सच्ची में वो एक्टिंग लगती ही नहीं है जब वो उन्होंने करी है पूरे उसमें आई थिंक इज अ ब्रिलियंट जॉब थैंक यू सो मच प्रियंका अभी आप बॉलीवुड में एंट्री मार रही हैं विद कथाकार एंड इट्स अ टफ रोल इट्स अ हार्ड हिटिंग रोल एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट आपसे बहुत सारे लाइफ लेसन्स मैंने लिए हैं नॉट ओनली एज मिस इंडिया नॉट ओनली एज एन एक्ट्रेस बट यूर स्ट्रगल्स इन दिन वर्ल्ड यू स्ट्रगल यू स्ट्रगल्स एज अ मैरिड वूमन एंड एंड आई नो वन थिंग श्योर दैट ये इंटरव्यू देखने के बाद चैट देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे कनेक्टेड फील करेंगे थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी प्रियंका सिंबल थैंक यू सो मच थैंक यू सुधार्थ Having me here on your show. it मी हेयर ऑन योर शो इट here. आपने बहुत ही अच्छे से एकदम कम्फर्टेबल फील कराया साथ ही साथ जो कि इतनी सारी जो चीज़ें थी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भूल चुकी थी वो मुझे याद आई है इस कॉन्वर्जेसन में सो आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए ये मेरा प्रिवलेज है टू बी ऑन योर शो एंड यू आर अ फैंटास्टिक होस्ट मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है हाउ स्वीट नारी सिब्बल Bye.